जहां पर वनमंडल के खोडरी इलाके में जंगली सुअर का शिकार करने के दौरान दो दर्जन आरोपियों से पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का मामला प्रकाश में आया है। 30 अप्रैल को जंगली सुअर का शिकार करने के बाद उनका मांस 24 लोगों में बांटा गया था, मगर वन कर्मचारियों ने इन सभी लोगों को पकड़ लिया और फिर से मामले को दबाने के लिए बीट प्रभारी पन्नालाल जांगड़े के ने 4,500 रुपये प्रति व्यक्ति से रिश्वत की मांग की। इस पर सभी लोगों ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए थे और मामला दबा दिया गया था। अब मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है, पता किया जाएगा और जांच के बाद कार्रवाई होगी। उस समय साहब मैं पीछे से नहीं पहुंच सका हूँ, हाँ साथी लोग ले गए थे, तो भंडार जी बात होती है, तो 45-45 हज़ार रुपये का दिए हम, तो हम दिए पसंद करके, तो शिवर मारे जो थे कि हमको जबरदस्त पसंद किया, तो हम लोगों को वहाँ जबरदस्ती मारपीट की है। फिर हाँ वहाँ से जबरदस्ती सिमर मारे होकर के हमको मारपीट किए, उसके बाद हम लोगों को फिर पैसा मांगने लगा टांडा शहर, तो हम लोग टांडा करके फिर 1 लाख रुपये दिए। ऑथेंटिक रूप से या मतलब करेंगे रूप से मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें ये जो धावन अधिकारी महोदय जी सिंह ने मेरे को आगाह किए कि उस वक्त प्रकरण को देखना है नहीं, तो मेरे द्वारा स्टाफ लोगों को निर्देशित किया गया कि उसे तत्काल मतलब अपराधी को गिरफ्तार करके नियम अनुसार कोर्ट में चला। और अब खबर धर्मशिखर से है, जहां